T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीता? जी हाँ, हो गए ना हैरान। चंद दिन पहले तक वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली टीम ने किया ऐसा चमत्कार कि दुनिया हुई हैरान, क्योंकि हमारे पास हैं बाबर और रिजवान। शाबाश पाकिस्तान, ये होती है जीत, इसे कहते हैं कमबैक। बाबर और रिजवान ने तनकीद का जवाब भी दिया और दिया भी जनाटेदार। इसीलिए कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और फिर बाबर और रिजवान ने दिखा दिया कि फॉर्म तो आनी जानी है, इस फॉर्म की कोई परवाह नहीं। वो आए और आते साथ ही केवी बॉलर्स को धो डाला। धोया भी ऐसे कि न्यूजीलैंड वालों को पता ही नहीं चला कि कहां कहां से मार पड़ रही है। पहले बॉलिंग में शाहीनों ने तबाही मचाई और फिर बैटिंग। मैच शुरू हुआ तो शाहीन ने वही किया जिसके लिए वो मशहूर हैं, यानी पहले ओवर में पहली विकेट। साथ में हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और वसीम जूनियर ने भी अपनी नपी तुली बॉलिंग से कीवी बैटर्स पर खूब कहर डाया। फील्डिंग में भी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि खुद न्यूजीलैंड वाले भी परेशान थे कि क्या ये वही पाकिस्तानी टीम है जो चंद दिन पहले तक जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार रही थी। सेमीफाइनल के बड़े मैच में क्या कुछ हुआ, क्या रिकॉर्ड्स बने, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और Facebook व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान आ गया और छा गया। सिडनी के मैदान में कीवी प्लेयर्स को रुला दिया। अब मायूसी के बादल छट चुके हैं और तो और ऑस्ट्रेलिया की हवाएं भी अब हमें ही सपोर्ट करने लगी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हो चुकी है बाहर। टीम के साथ जितनी दुआएं थी अब उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता तो लगा कि शायद मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, मगर ऐसे कैसे। कीवी बैटर्स बैटिंग करने आए तो फिन एलन ने शाहीन को चौका जड़ दिया। फिर क्या, शाहीन ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया और अगली ही गेंद पर फिन एलन को चलता किया। भाई, शाहीन को चौका मारोगे तो वो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर शादाब खान ने खतरनाक और इन फॉर्म बैटर डेवन कॉनवे को रन आउट करके मैच तकरीबन पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। कप्तान केन विलियमसन और डेरल मिचेल ने थोड़ी रेजिस्टेंस की, मगर फिर बाबर ले आए शाहीन को और शाहीन ने केन विलियमसन को भी क्लीन बोल्ड करके चलता किया। डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम जूनियर ने कमाल की बॉलिंग करके न्यूजीलैंड को 153 रन पर ब्रेक लगा दी। फिर आए बाबर और रिजवान और आते साथ जारहाना अंदाज अपनाया। ओवर लेग और लेग साइड, ऑफ साइड, कवर, मिड ऑन, मतलब ग्राउंड के चारों तरफ चौकों की बहार कर दी और कीवी बॉलर्स के पसीने छुड़वा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म रहने का सारा गुस्सा कीवी बॉलर्स पर उतार दिया, जहां टीम को जरूरत थी एन उसी वक्त पाकिस्तान को बड़ी जीत दिला दी दोनों ने। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर आउट हुए। बाबर के आउट होने के बावजूद भी रिजवान और हारिस ने मोमेंटम बरकरार रखा और चौके छक्के लगाते गए। रिजवान 53 रन बनाकर आउट हुए तो रही सही कसर हारिस ने निकाल दी और 26 बॉल्स पर 30 रन बना डाले। जीत के साथ ही पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मैचेस में ना हारने का अपना रिकॉर्ड भी कायम रखा। वैसे पाकिस्तान की जीत से हो गए ना सारे हैरान। हैरान क्या, अब तो इंडिया और इंग्लैंड भी परेशान हैं। अब मुकाबला होगा मेलबर्न के मैदान में। फाइनल में जो भी टीम आएगी उन्हें हराने के लिए पाकिस्तानी टीम पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड आती है या इंडिया, ये तो पता चलेगा 10 तारीख को। मगर उससे पहले दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है कि सेमीफाइनल में किसकी परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। कमेंट जरूर कीजिएगा।